अब वाई डीएक्सएन, जब तक मुझे ही नहीं पता है कि मैं डीएक्सएन कर क्यों रहा हूं तो मैं दूसरों को क्या बताऊं, सही है गलत है? तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान, डीएक्सएन जो मार्केटिंग हम प्लान करते हैं उसके फायदे या उसकी मजबूती क्या है। सबसे पहले वन टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप, जितने भी लोग आज डीएक्सएन में जुड़े हैं वो ये जो मेंबरशिप है आपका ये पूरी जिंदगी चलेगा, ये पता है आपको, पूरी जिंदगी ये कार्ड चालू रहेगा। पर पहला शर्त ये है कि साल भर में एक प्रोडक्ट कम से कम आप खरीदते रहो, और अगर बिजनेस करने आए हो तो हर महीना बराबर से प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, आज ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग लाखों रुपया लगाते हैं, 12 घंटा दुकान खुलते हैं, तब जाके एक महीने के बाद उनके जो भी खर्चे हैं वो निकलते हैं। तो डीएक्सएन भी कुछ अलग नहीं है, डीएक्सएन में फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पैसा नहीं लगा, काम वही है जो एक दुकानदार का काम है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये दुकान की दीवारें नहीं है, ये पूरी दुनिया इसकी दुकान है, आप जहां चाहो वहां से आप अपना बिजनेस ला सकते हो, वहां से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, वहां पे आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, बस तरीका सीखना है कि वहां कैसे पहुंचे। पूरे इंडिया में आप कर सकते हो बॉम्बे में बैठ के, अगर आप यूपी में हो तो यूपी से आप बॉम्बे में बिजनेस कर सकते हो, पर आपको सीखना पड़ेगा, ये कोई आके आपको सिखाएगा नहीं। अमीर बनना किसको है, खुद को, तो सीखना किसको पड़ेगा, खुद को, बराबर ना। और बाहर जाने के बाद क्या होता है, अरे हाँ बहुत अच्छी मीटिंग लगी, बहुत मजा आया, अगले दिन कुछ नहीं किया, कुछ होगा नहीं होगा, जो कर रहा है उसी को मिलेगा। गोल सेटिंग और एक्शन जो होता है, पहले गोल सेट होता है, प्लान बनता है, फिर उस पे एक्शन होता है, और ये दोनों जब होता है तो रिजल्ट आता है। प्रॉब्लम ये हमारे अंदर है कि हम गोल तो सेट कर लेते हैं पर करेंगे अगले साल तो होगा, हाँ तो ये आपको करना पड़ेगा। तो पहली चीज वन टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप, नो डिमोशन ऑफ स्टेटस, यानी अगर आप स्टार एजेंट बनते हो, स्टार रूबी बनते हो, स्टार डायमंड बनते हो, तो आपका लेवल वही रहेगा जहां पे आप हो, आप डिमोट नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको अक्यूमुलेटिव सिस्टम है, अक्यूमुलेटिव सिस्टम की वजह से क्या होता है कि आपके पिछले महीने के पॉइंट भी इस महीने में गिने जाते हैं, पर पिछले महीने का बोनस नहीं आएगा, इस महीने का आएगा बढ़े हुए परसेंटेज से, ठीक है। उसके बाद प्रेशर फ्री है, कोई आपको जबरदस्ती करता है कि आप डीएक्सएन करो, यहाँ पे जितने लोग आए अपनी मर्जी से आए, तो ये जो है ये काम थोड़ा टफ होता है। क्यों टफ होता है, क्योंकि हर वो काम जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से करते हैं ना, वो काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है पता है, क्योंकि करवाने वाला कौन है, अगर मैं ही आलसी हूं तो मैं अपने आप को काम दे सकता हूं, अगर मुझे ही कुछ नहीं आता तो मैं अपने आप को कुछ करवा सकता हूं। तो पहले सीखना किसको है, बॉस को, बॉस को है, मैं खुद बॉस हूं और मैं खुद एम्प्लॉई हूं, और जहां बॉस कोई और होता है वहां पे हम काम करते हैं, पर जहां बॉस हम खुद है वहां कुछ करते हैं। तो यहां प्रेशर फ्री है, आपको खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीलैटरल इंटरनेशनल बोनस, यानी आप पूरी दुनिया से बिजनेस कर सकते हो, और अच्छी बात क्या है कि अगर आज आप यहां काम कर रहे हो, यहां से करते करते अगर कल को आप यूएस चले जाओ तो आपको इंडिया में पीवी करने की जरूरत नहीं है, आप यूएस में भी अगर क्वालिफाई होते हो तो भी आपको बोनस आएगा। तो मिनिमम पीवी जो है, जैसे यहां 1000 है वहां 50 पीवी है, तो आप वहां का मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप कर लोगे तो भी आपको बोनस मिलेगा, तो अच्छा है या नहीं। तो ये फायदा है डीएक्सएन का। उसके बाद क्या है, क्वालिफाइंग पीवी एनी डीएक्सएन कंट्री, गुडविल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप ट्रांसफरेबल थ्रू इनहेरिटेंस, यानी ये जो गुडविल है, अगर मान लो आपने काम करना चालू किया और आपकी अच्छी खासी इनकम हो गई, तो ये इनकम आपकी आने वाली पुश्तों को जाएगा, इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। किशोर कुमार गाना गा के गया, इतने गाने गाया है उसने कि आज उसका बेटा वो कॉपी ही कर सकता है, ओरिजिनल नहीं है, पर फिर भी करोड़ों अरबों की रॉयल्टी उस बंदे को आज भी आ रही है। तो आप लोग चाहते हो ऐसी रॉयल्टी? आज तक क्या हुआ, आज तक हमने क्या किया, हमने अपने आने वाली पुश्तों के लिए खर्चे तैयार कर लिए,
है कि नहीं। कोई कोई ये भी हो सकता है कि हमारे माँ बाप जा चुके हैं पर उनका कर्जा अब हमारे ऊपर आया, सही है गलत है? तो यही चीज आप आगे देना चाहते हो। जब नहीं देना चाहते हो तो आपको आज से कुछ काम करना पड़ेगा कि कमाई हम अपनी आने वाली पुश्तों को दे जाए। तो ये आपको करना है, सीखना है। अर्जेंसी क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कल करूंगा परसों करूंगा, ये कल और परसों करने वाले लोग हमें यहाँ नहीं चाहिए। अगर आपको करना है तो अर्जेंसी, आज तुरंत मैं क्या कर सकता हूँ या आज मैं क्या करूंगा, वही लोग यहाँ कामयाब होंगे। वही लोग दुनिया में किसी भी फील्ड में काम करके कामयाब हो सकते हैं जो आज मेहनत करेंगे। क्योंकि आज मेहनत करोगे तो कल, एक सवाल जिम ब्रॉन करके एक स्पीकर है, बहुत मोटिवेशन आदमी नहीं है दुनिया में पर उनकी लेक्चर आज भी लोग सुनते हैं। उसने उनको एक सवाल पूछा गया था, लोगों ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले 6 साल कैसे होंगे, तो उन्होंने एक सीधा जवाब दिया। क्या दिया? कि आपके लिए आपके आने वाले 6 साल आपके गए 6 साल जैसे ही होंगे। समझ में? मौसम नहीं बदलेगा, वक्त नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आपने पिछले 6 साल में कुछ किया है तो वो आज नजर आ रहा है, और अगर आज करोगे तो वो कल नजर आएगा। तो अगर पिछले 6 साल में कुछ नहीं किया तो आज कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आज भी पिछले 6 साल जैसा जियोगे तो अगले 6 साल भी कुछ नहीं मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो अगले 6 साल बाद कुछ नहीं चाहते, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं? दोनों हाथ खड़े कर सकते हैं और खुद के लिए जोरदार ताली हो सकती है। तो इसलिए टाइम फ्लाइज, इसका मतलब क्या है? वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। दूसरा क्या है? पीपल चेंज। आज हमने किसी से बात किया, 24 घंटे में आदमी की यादाश्त खत्म। अगर आप 1 साल किसी से नहीं मिलोगे तो आपको सोचना पड़ेगा 1 साल बाद की ये कौन है। तो यादाश्त लोगों की नहीं रहती। आज हमने प्रोडक्ट बताया, कल जब लेके जाते हैं कि अरे कल तो आपने ऑर्डर दिया था, नहीं आज कुछ खर्च कर दिया इसलिए नहीं। समझ रहा है? लोग जो है बदल जाते हैं, बदलते इसलिए नहीं है क्योंकि वो बदलना चाहते हैं, बदलते इसलिए कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। किसी को किया हुआ वादा याद नहीं आता है, समझ आ रहा है? तो इसलिए लोग बदलते हैं और अपॉर्चुनिटीज लॉस। आज हमने किसी को प्लान समझाया, अगले दिन हाँ शायद आपने कुछ बताया था पर मुझे वापस याद नहीं। इसलिए 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करना जरूरी है। तो आप 1 हफ्ते बाद कॉल करोगे तो क्या होगा? भूल जाएगा कौन आप, है ना? उसी तरीके से इसलिए क्योंकि बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो स्टाइल है वो क्या बोलता है, 45 साल या 5 साल। अगर आप 45 साल का पैसा 5 साल में चाहते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, आप BSN करो। और ये 5 साल शुरू कब होता है? आपका वक्त शुरू होता है अब, आज से 5 साल। अगर आज भी करोगे बोलोगे 6 महीने बाद करूंगा तो कितने बाद? 5.5। नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो लोग बोलेंगे चलो 5 साल बाद ही काम चालू करता हूँ, शायद हो जाए कुछ। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आगे कुछ होगा ही नहीं। तो अगर आपको चाय बनानी है तो आपको पहले चाय का सामान लाना पड़ेगा, आपको चाय बनानी पड़ेगी तब जाकर चाय बनेगी, सही है गलत है? तो ये चीज है, इसलिए ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जितना जल्दी आप इसको करना चालू करोगे उतना जल्दी आपकी जिंदगी में ये बदलाव आएगा। उसके बाद क्या है? P2DX एंड सक्सेस।